5, 4, 3, 2, 1, 0. आए मोहब्बत पे छुपाई नहीं जाते, कराची में जब पहली फीचर फिल्म हमारी जुबान 1955 रिलीज बनी तो हिदायतकार शेख हसन ने इस फिल्म में रशीदा बेगम ने एक नौ उम्र और पुरकशिश अदाकारा को मौका दिया, जो इससे कबल स्टेज पर एक चाइल्ड स्टार के तौर पर चीकू के नाम से काम कर रही थी। बाद में वो बसलाहियत अदाकारा रुखसाना के नाम से मशहूर हुई और फिल्म बीनों के हाफजे में एक हसीन और जमील अदाकार के तौर पर महफूज हो गयी। फिल्म हमारी जुबान 1955 एक इंतहाई मुतनाज़े फिल्म थी जो सिर्फ एक हफ्ता ही चल सकी थी और वो भी सिर्फ कराची में। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने भी किरदार निगारी की थी, जो 22 अप्रैल 1954 को कराची में 1 लाख से जायद मुजाहरीन की क्यादत कर चुके थे। ये एहतजाज बंगाली को पाकिस्तान की दूसरी सरकारी जुबान बनाने के मुतवक्को फैसले के खिलाफ हुआ था। ठीक है, हुक्म इरशाद। अर्ज है वे कि मैं सिर्फ तानू मिलन आई हूं। अदाकारा रुखसाना ने 100 के करीब फिल्मों में काम किया था और ज्यादातर मुआविन अदाकारा के तौर पर नजर आई। फर्स्ट हीरोइन के तौर पर उसकी 7वें उर्दू फिल्में नाकाम रही, जिनमें पहली फिल्म गरीब 1960 थी, जिसके हीरो सलीम निगार नामी अदाकार थे। दीगर फिल्मों में फिल्म तीरंदाज 1963, सुल्तान, फिल्म नीलम 1963, सुधीर, फिल्म माँ का प्यार 1964, हबीब के साथ फिल्म होनेहार 1966, वहीद मुराद के साथ मैं वो नहीं 1967, कमाल के साथ फिल्म नाखुदा 1968, शकील और फिल्म कई साल पहले 1974 में सुधीर के साथ फर्स्ट हीरोइन के तौर पर नजर आई। इसके अलावा 2 पश्तो फिल्मों बहादुर खान 1971 रिलीज और हिब्बत खान 1976 रिलीज में भी फर्स्ट हीरोइन थी, लेकिन कभी किसी पंजाबी फिल्म में फर्स्ट हीरोइन नहीं आई और हमेशा मुआविन अदाकारा ही रही। रानी खान 1960 पहली पंजाबी फिल्म थी। रुखसाना ने एक सिंधी फिल्म पराई जमीन में 1958 रिलीज में भी काम किया था। को ब्रेक थ्रू समाजी मौजू पर बनने वाली सुपरहिट फिल्म मेहताब से मिला। ये फिल्म मंजूर अशरफ की मौसीकी में अहमद रश्ती के गाए हुए और हजीन कादरी के लिखे हुए लाजवाल गीत गोल गप्पे वाला आया की वजह से याद की जाती है। इस फिल्म में अहमद रश्ती और नजीर बेगम का एक मशहूर गीत नहीं खबर कब मिली नजर और दिल दीवाना हो गया असद बुखारी और रुखसाना पर फिल्माया गया था। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसका रीमेक शबाब किरानवी के बेटे नजर शबाब ने एक बारी बरकम रोमांटिक और नगमाती फिल्म शमा 1974 की सूरत में बनाया था। फिल्म मेहताब में नैयर सुल्तान और हबीब, रुखसाना, असद बुखारी और नगमा और अलाउद्दीन की जोड़ियों के मुकाबले में फिल्म शमा में बेतरतीब दीप और वहीद मुराद, बाबरा शरीफ और नदीम और जैब और मोहम्मद अली को कास्ट किया गया था। 60 के अशरे की बेशतर फिल्मों में रुखसाना को मुआविन अदाकारा के तौर पर भरपूर किरदार मिलते थे। फिल्म पैगाम 1964 में मैडम नूरजहां का मकबूल आम गीत तेरी खातिर जल रहे हैं कब से परवाने के अलावा फिल्म आशियाना में मालिका गाए हुए ये सुपरहिट गीत जारे बेदर्दी तूने कहीं का हमें न छोड़ा भी रुखसाना पर फिल्माया गया था, जबकि फिल्म ईद मुबारक में ये मशहूर जमानत फिल्मी मेलाद शरीफ, रहम करो शाहिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन अदाकारों पर फिल्माई गई थी इनमें रुखसाना भी मौजूद थी। ये तीनों गीत फैज हाशमी ने लिखे थे और उनकी धुने ए हमीद ने बनाई थी। फिल्म जलवा 1966 वो पहली फिल्म है जिसमें रुखसाना अपने लखनवी और नवाबी अंदाज में कभी नहीं भूल पाई। हकीकत यह है कि जो हुसन एक सादा सी मलमल के कुर्ते में है वो किसी जरक बरक लिबास में नहीं। इस ब्लैक एंड व्हाइट नगमाती और रोमानवी फिल्म में चारों अदाकाराए शमीम आरा, सलोनी, रुखसाना बेहद हसीन अक्सबन की गयी है। पंजाब सर्कट में आमतौर पर उर्दू फिल्में कम ही चलती थी, लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर मेरे जहन पर हमेशा हावी रहा और जब VCR पर ये फिल्म आई तो अपनी पहली फुर्सत में इसे कॉपी किया था।